Hello and a warm welcome to everyone, friends, followers, and fans. So we are back. We are back on AIFF TV for a very special episode because we have a very special guest joining us today. And obviously, you know who's joining us today. It's the captain of the Indian women's senior national team. And whenever a captain joins us, it becomes a very, very special episode. Ashalata Devi is our guest today. We are waiting for her to be joining us very, very soon. She would be joining us, the captain of the Indian side, with much repute and which very much popular among all the players. The Indian women's national team has been doing very, very good of late. We are waiting for Ashalata to be joining us. We also just need to remind all friends, followers, and fans that she was one of the nominees for the AFC Women's Player of the Year, the smiling captain of the Indian women's national team, Ashalata. Thank you for joining us. Good evening, sir. Good evening. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो, सर? बिल्कुल ठीक है. और आप हमारे साथ हैं आज पूरी इंडिया के साथ बात करने के लिए. ऑब्वियस हमसे ज्यादा खुश और कौन बन सकते हैं. वेरी नाइस आशालता टू बी ज्वाइनिंग अस टुडे. लॉट मेनी क्वेश्चंस आशालता आपके लिए है, तो आपकी इजाजत से हम शुरू करें. पहला क्वेश्चन मिस्टर सिद्धपथ से है. वो पूछते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर फुटबॉलिंग जर्नी, कब शुरू किए थे और फुटबॉल में आप कैसे आए? सो मैं जब 7th क्लास में पढ़ रही थी, शायद मेरा 13 इयर्स होगा मेरा एज, तो मैं स्कूल में जो स्कूल की स्पोर्ट्स हुआ था वहां पे, तो वहीं पे हमेशा बॉयज का टीम खेलता था. पर मैंने एक्चुअली मैंने स्कूल के टीचर को रिक्वेस्ट किया था कि हमें भी एक बार खेलने का मौका दीजिए, कि हम भी खेलना चाहते हो करके. तो उन्होंने एक दो टीम बना के हमें खेलने का मौका दिया था कि उसमें, पर हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे खेलना है और कैसे किक करना है, क्योंकि उसी दिन में हमने खेला था. सो हेलो. हाँ जी बताइए. आवाज आ रही? अच्छा, उस समय से हाँ उस समय से शुरू हुए, बताइए, मैं सुन रहा हूँ पूरा. हाँ तो हाँ तो हमें मतलब खेलना शुरू किया उसी दिन, और वो मैच ड्रॉ हो गया था. हम गोल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि एक ही बॉल में हम लोग 22 प्लेयर एक ही बॉल में ऐसे ही उसी में भाग रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो उसके बाद हमें टीचर ने बोला कि एक तो प्राइज देने के लिए वो रनर्स और विनर्स तो चूज करना पड़ेगा, इसलिए पेनाल्टी शूट आउट करने के लिए बोल रहे थे. तो मैंने भी पेनाल्टी मारा था और गोल भी हो गया था, और मेरा टीम है वो मतलब विनर रहे थे. तो मैं उस दिन बहुत खुश थी कि मैंने स्कोर किया और मुझे खेलने का मौका मिला. तो उसके बाद ही मैंने स्कूल के बाद मैं रोज बॉयज के साथ खेलने जाते थे शाम को, तो तब से स्टार्ट किया था मैंने. Oh, that's a very nice journey. आपकी दोस्त एंड ऑब्वियसली द गोलकीपर ऑफ द नेशनल टीम अदिति ऑलरेडी हैज सेड हाय. कैप्टन को हाय बोला है, बोले कैप्टन. एक आवाज हाय अदिति. अदिति ने बहुत कुछ बोले हैं आपके बारे में, बहुत कुछ फन इंसिडेंट्स है. हम ऑब्वियसली उसके बारे में बातचीत करेंगे. और अदिति बोले हैं कि अदिति हमेशा जीतती है आपके साथ जब भी कोई मैच होते हैं. विल कम टू दैट, आपकी वर्षन भी हम लोग सुनेंगे. एक क्वेश्चन है आशालता कि मणिपुर तो एक स्पोर्टिंग कल्चर है, पूरी स्टेट में इतने सारी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, वर्ल्ड चैंपियंस है, तो ऑब्वियस मणिपुर में फुटबॉल का तो है ही, इतने वुमेन्स फुटबॉल और इवन मेन्स फुटबॉल, तो कोई खास वजह था कि आप फुटबॉल ही चुने और कोई जगह पे आप गए नहीं और कोई स्पोर्ट पे? क्योंकि सर मेरे को भी बाकी स्पोर्ट्स के बारे में भी नहीं पता, और मैंने फुटबॉल खेलना शुरू होने के बाद फिर मैंने हैंडबॉल भी बीच में खेलना शुरू किया था. पर मुझे जितना फुटबॉल खेलने में मजा आता है, उतना ही मुझे फुटबॉल हैंडबॉल खेलने में मजा नहीं आता. तो इसलिए मैंने सोचा कि फुटबॉल ये मेरे लिए बेटर रहेगा, ये टीम ये गेम खेलने में. तो इसलिए मैंने हैंडबॉल छोड़ दिया बीच में और फुटबॉल में फिर वापस शुरू किया था मैंने.
वेल फुटबॉल्स गेन हैंडबॉल्स लॉस कोई कंप्लेन्स नहीं हम लोग के तरफ से। अदिति ने एक छोटी सी मैसेज भेजा है, बोले पेनल्टी में तो आप पहली मैच में गोल किए थे बट मेरे अगेंस्ट आप क्यों नहीं स्कोर पाती। अदिति ने यह सवाल आपको अभी जस्ट पूछी है। मैं यही बोलूंगी कि वो हमेशा मेरा पेनाल्टी सेट नहीं कर पाते वो, और कभी कभी कर लेते तो वो इतना एक्साइटेड होके ऐसे ही वो सेलिब्रेट करते हैं, पता नहीं कौन सी पहाड़ तोड़ दिया उसने ऐसे टाइप का। तो उनको भी पता होगा कि मेरा क्या लॉजिक है, उनका क्या लॉजिक है, तो ज्यादा हीरोइन मत बनो। We will very soon put both of you together on a show. I promise to all friends, followers and fans. Aditi और आशा को हम लोग एक शो पे दोनों बिठाएंगे और हम लोग को कुछ करने का नहीं, और दोनों ही दोनों के अंदर ही एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहेगा। संजू says hi. Sanju has also joined the show. Sanju says hi to you. Hi Sanju. I hope उनका भी पिछले हफ्ते उसका सर्जरी हुए थे, तो आई थिंक कि वो अभी रिकवर करके तुरंत इंडिया टीम में आ जाओ, और हम सब आपके सपोर्ट में, और कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम आपकी सपोर्ट के लिए रेडी है। और मुझे पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो, और अब अच्छे से रिहेव करके फिर टीम में वापस आएंगे। जी बिल्कुल, शी वॉज दी AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर संजू। She had a surgery, and Sanju, get well soon. It's not only a message from your captain, but from the entire footballing fraternity of India. Aditi ne boli hai jhoot aapko, bole ki jhoot bol rahi hai Asha Lata. Ye bhi main aapko just bata deta hoon. ठीक है, अभी show के बाद में call करके बता देंगे। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन है आपके लिए। अंकु एंड सीमा ने ये दोनों मिलके ये सवाल पूछी है कि आपने जब बचपन से फुटबॉल खेलते आए हैं, कोई स्ट्रगल कोई ऑब्स्टिकल आपको कभी मिला है, कोई घर से उनकी ऑलवेज सपोर्ट मिलता था? सो स्ट्रगल तो सर जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम बहुत स्ट्रगल मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुआ था, क्योंकि मेरे घर पे मेरे मम्मी बिल्कुल सपोर्ट नहीं थे फुटबॉल को लेके। जब भी मैं प्रैक्टिस से वापस आते तो बहुत मार खाती थी मुझे कि तुम खेलने क्यों जा रहे है, और ये लड़की का गेम नहीं है, और तेरे को चोट लगेगा, और जब चोट लगेगा तो आगे, मतलब उनको शादी के लिए बहुत वो सोचती थी कि कैसे शादी होगा तेरा, ऐसे ही बहुत ऐसे ही टाइप का थी मम्मी, बहुत डरती है वो। मेरे घर के पास में एक भाई है, उनका जब वो भी फुटबॉल खेलता था, उनका सर्जरी होने के बाद उनका करियर पूरा खत्म हो गया था, तो उनको देख के मेरी मम्मी ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी, इसकी वजह से मुझे बहुत मना किया था गेम फुटबॉल खेलने से। तो मैंने 3-4 महीना जब खेलना शुरू किया उसके बाद इतना मार खाया मुझे, उसके बाद मैंने फिर कुछ महीना के लिए मैंने छोड़ भी दिया, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा गैप रख के फिर दोबारा मैं ज्वाइन करती हूँ, यही सोच के। फिर मैंने मम्मी को दोबारा बताया नहीं कि मैं फिर खेलने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे रोज रोज का मम्मी का नाटक और मारना ये वो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने चुपके जाके फिर दोबारा ज्वाइन किया था फुटबॉल। तो अभी जो आप देश के कप्तान हो, अभी जब आप देश के कप्तान हो तो क्या मम्मी क्या कहती? अभी तो मम्मी, जब मैं अंडर 17 इंडिया टीम में अंडर 17 सिलेक्शन हुआ था तब से मम्मी ने मेरे बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि मैं आगे जाके अच्छा प्लेयर और अच्छा प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं। तो उसके बाद मम्मी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं अभी तक। तो अभी मैं कभी कभी बोलती हूँ कि मैं बहुत खेल चुकी हूँ, मैं रिटायर लेना चाहिए, ऐसे करके कभी कभी बोल देती है, तो मम्मी मेरे को डांट देते हैं क्योंकि तुमने इतना सारे करियर और इतना टाइम फुटबॉल के लिए इतना डेडिकेट के साथ काम किया है, तो अभी टाइम है कि तुम दुनिया को प्रूव करने का, मतलब अभी अभी नहीं खेलोगे तो तुम कब खेलोगे। तो मुझे अभी मुझे हमेशा रिटायर लेने से वो मम्मी मेरे को मना कर देते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है और खेलना पड़ेगा तेरे को, दुनिया को बताना पड़ेगा कि तुम कितना खेल सकते हो और कहाँ तक आगे जा सकते हैं।
सिर्फ मम्मी नहीं, आई बिलीव ईच एंड एवरी वन इन इंडियन फुटबॉल फ्रेटर्निटी आपको यही बोलेंगे कि रिटायरमेंट के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, बिकॉज द एंटायर कंट्री डिपेंड्स ऑन यू, द एंटायर टीम डिपेंड्स ऑन यू, यू आर वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द टीम ऑफ वुमेन्स फुटबॉल इन इंडिया एंड फुटबॉल इन इंडिया. एब्सोल्युटली नहीं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है. संजू ने थैंक यू दीदी बोली है आपको. संजू का एक एनेक्डोट भी है, मींस कोइंसिडेंस है, संजू की मैसेज और एक एनेक्डोट हम इकट्ठा लेना चाहते हैं. संजू कहते हैं आपके बारे में, आशादी डज नॉट डिफरेंशिएट मच बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स, बी इट ऑन द पिच और बी इट ऑफ द पिच, इवन व्हेन वी आर वर्किंग आउट इन द जिम, जब हम जिम पे रहते हैं, शी इज ऑलवेज पुशिंग अस कि कुछ एक्स्ट्रा रिपीटेशन करे, कोई नहीं एक दो और करो, तुम तो यंग हो कर लोगी. आशा दीदी ऑलवेज हमें कहते हैं. ऑन मैच डेज आशा दी इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव, डज नॉट वॉन्ट टू लूज टू एनी टीम नो मैटर वॉट एवर द रैंकिंग्स आर. शी इज द टाइप जो वॉन्ट्स टू टेक ऑन एवरी वन एंड यू नीड प्लेयर्स लाइक हर टू ब्रिंग द रेस्ट ऑफ द टीम इन टू एक्शन. ये संजू ने आपके बारे में बोला है. तो इससे एक फैन क्वेश्चन आते हैं, विष्णुम का एक फैन क्वेश्चन है, ये आप इतनी काम पेशेंट एक डू और डाई सिचुएशन पे आप रहते हो, इसको मीन्स सीक्रेट क्या है आपका? क्योंकि मैं डू और डाई सिचुएशन में कभी मैं बच्चों को मेरा अपने वीकनेस और मतलब जब मुझे मेरा कमजोर है वो सब मैं नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैं ऐसे ही दिखाना चाहती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ और मेरा मेंटेलिटी बहुत हाई है और मैं एक लीडर हूँ और पूरा टीम को लेके जाने के लिए, उनको सब एक खट्टा करने के लिए बहुत दिमाग में वो काम करना पड़ता है कि मैं जब तक मैं कॉन्फिडेंस से नहीं खेलोगे, अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो बाकी बच्चे कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं अब खुद को पहले मैं एक अच्छा कंफर्टेबल जोन में रहने का और कॉन्फिडेंस लाने का मैं बहुत सोचती हूँ, तब मैं जब सही तरीका से खेल रहे हो तो मेरे बच्चे भी यही सोचते कि दीदी इतना स्ट्रोंगली खेल रहे तो हम ओपोनेंट से क्यों डरे, तो मैं हम भी एक कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है, यही सोच के हम बहुत काम रहना पड़ता है और कभी मतलब हाइपर रह कभी कभी हाइपर हो जाती हूँ, फिर भी उनके लिए बच्चों को एक साथ लेके जाने के लिए बहुत सीरियसली रहना पड़ता है, बहुत उनके साथ कामली वो करना पड़ता है. एग्जेम्पलरी एटीट्यूड डिस्प्लेड बाई द टीम कैप्टन आशालता देवी की, लीडिंग बाई एग्जाम्पल. आशालता यही कह रही है हम सभी लोगों को. और एक फैन क्वेश्चन, लॉट मेनी फैन क्वेश्चन, इनफैक्ट ऑल आर फैन क्वेश्चन जो आपके लिए आए हैं. प्रियांश कहते हैं, पूछते हैं कि बाला देवी रेंजर्स एफसी में खेल रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं एज ए डेवलपमेंट फॉर इंडियन फुटबॉल ओवरऑल, नॉट जस्ट फॉर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल, फॉर इंडियन फुटबॉल ओवरऑल, क्योंकि एट द करेंट मोमेंट द ओनली प्लेयर फ्रॉम इंडिया हु ऑन ए प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट इन यूरोप इज बाला. क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बलादी अभी रेंजर में खेल रहे हैं और अभी अदिति और बलादी ने पूरा मतलब बाहर जाने का वो दरवाजा खुला है बाकी जेनरेशन के लिए भी, तो आई होप कि जो यंग जेनरेशन है वो लोग भी उनको देख के इंस्पायर हो जाएंगे कि हमें भी दीदी की जैसे, बला दीदी की जैसे, अदिति की जैसे बाहर जाके खेलने का मौका मिल जाए, तो सब लोग एक हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ काम करेगा, सारे बच्चों को भी कि उन सबकी सपना रहता है कि हमें अच्छा क्लब में खेले और अच्छा कंट्री में जाके अच्छा परफॉर्म करे, तो मेरे को लगता है कि बाकी बच्चे में भी बहुत इफेक्ट रहेगा कि बाला देवी वो रेंजर में खेल रहे. चिराग ने क्वेश्चन पूछा है, फैन चिराग है, आपको कोई वुड यू वांट टू प्ले अब्रॉड, आपको कोई इरादा है बाहर खेलने का जाने का? इरादा तो मतलब हर हर कोई प्लेयर का ड्रीम है ये बाहर जाके अच्छा
प्रोफेशनल क्लब में खेलने का. बट मेरे हिसाब से अभी 2022 AFC इंडिया होस्ट कर रहे हैं, पर मैं उसी में ज्यादा फोकस रहना चाहती हूँ. पर 20 में मुझे मौका मिल गया तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगी खेलना, पर मेरा फोकस है कि 2022 AFC कप. बिल्कुल, 2022 द AFC वुमेन्स एशियन कप टू बी होस्टेड बाय इंडिया. एंड एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ईच एंड एवरी वन हु केम ऑन दिस चैट एंड इवन व्हेन वी स्पीक टू देम ऑफ इट, बीट द हेड कोच मेमुल रॉकी, बीट अदिति, बीट बाला हर्सेल्फ, सभी लोग कहते हैं कि हम लोग का टीम के अंदर इतना टैलेंट है कि मेनी प्लेयर्स कैन गो एंड ऑब्वियस प्ले अब्रॉड. सो ऑब्वियसली दैट वुड बी अ बिग बिग स्टेप फॉर इंडियन, नॉट जस्ट फॉर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल बट फॉर इंडियन फुटबॉल ओवरऑल. कुछ मैसेजेस आए हैं, अदिति का एक मैसेज है, hats off to her determination and hard work, inspirational story, जो आपकी कहानी आपने बताई उसके बारे में अदिति ने ये बोला है, hats off to her determination and hard work, it's a very inspirational story. Thank you अदिति. ये अदिति है. और संजू भी एक मैसेज लिखी है, संजू ने लिखी, अभी मत सोचो रिटायरमेंट के बारे में दी, तो सिर्फ मैं नहीं कोई नहीं, संजू ने भी यही बात बोली है. अभी मैं एक एनेक्डोट, एंड ऑब्वियस अदिति कम्स बैक वंस अगेन, अभी अदिति का एक एनेक्डोट है. पहली तो सवाल है, अदिति बोली है कि सवाल है कि हाउ डज शी और व्हाई डज शी लूज अगेंस्ट मी इन ईच एंड एवरी फैन गेम दैट वी प्ले इन द कैंप्स. हर कोई फैन गेम दोनों के बीच में जो होता है, हर बार अदिति जीतती है और आप हारते हो. अदिति ऐसे बोला है, बोले क्यों ऐसे होती है? ये सबसे बड़ा झूठ है सर. हमें नहीं पता, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ जो अदिति ने दिया है, ये अदिति की सवाल है तो उसके जो भेजी है, तो हम आस्क आशालता हैशटैग में अदिति ने यही सवाल दिया. यही बोलूंगी क्योंकि मैं हमेशा जीतती हूँ तो वो पूरा 24 आवर मुंह फुला के बैठ जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी कभी उनको जीतने के मौका देती हूँ. वी वेट फॉर अदिति टू बी कमिंग अप विद अ कमेंट. और वेरी सुन अदिति और आशालता इकट्ठा एक शो पे बिल्कुल ऑन AFF टीवी आनी है. देयर इज एन एनेक्डोट आल्सो, आशालता अदिति का एनेक्डोट है, तो कहती है कि द फर्स्ट सीनियर कैंप, द पहला सीनियर कैंप दैट आशालता वाज कॉल्ड टू, शी वाज काइंड ऑफ टोल्ड दैट शी वाज देयर ओनली फॉर ट्रायल्स एंड शी वाज नॉट क्वाइट रेडी और गुड इनफ टू बी इन द टीम. But she was very, very determined to prove them wrong, made her way into the team and not just that. Now she's the captain of the country, has the most number of caps, is a true leader of the team. Iske saath ek choti aur ek bhi ek incident usme jodi hai. So Aditi says, during our tour to Turkey, in 12, 13 of us got stuck in an elevator on way to a meal. थोड़ी गर्मी थी, कोई मैं बैठने का जगह भी ऑब्वियस एलिवेटर के अंदर था नहीं, तो मींस व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, वाज इट स्केरी, डर लगा था? क्योंकि सर मैं 2017 में गोवा में अकेले एक लिफ्ट में फंस गई थी आधा घंटा के लिए, तो पूरा लाइट बंद था क्योंकि मेरे को बहुत डर लगा था उस जब मैं फंसी थी, तो वही चीज मुझे फिर दोबारा रियलाइज हुआ था कि हम लोग 12 या 13 प्लेयर होगा जब तुर्की में फंसे हुए थे, बस हमें खड़े होने का जगह ही है, बस बैठने का जगह भी नहीं था सर उसमें. और उसी दिन हमारा मैच भी था, तो हमारा मैच का प्लेइंग 11 से 8 प्लेयर उसी लीग में फंसे हुए थे, और हमारा ग्राउंड थोड़ा दूर था जब हम लोग जो रुके थे होटल वहां से, तो हम अदिति ने कॉल किया था लीग से कि हम लोग लीग मैच तक हो गया कि हेल्प करने के लिए आने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैकेनिक आने में थोड़ा टाइम लगेगा. हमें लगा कि 15-20 मिनट लगेगा, पर पूरा 1 घंटा लग गया, फिर 1.5 घंटा लग गया. तो फिर मेमोल मैम को वो बाकी जो बच्चे खाना खा के आए थे, तो उनको हमने बोला कि एक बार मेमोल मैम को इन्फॉर्म कर देना कि हम लिफ्ट में फंस गई है. तो मेमोल मैम आके पूछ रहे थे कि तुम लोग प्लेइंग 11 से कितना प्लेयर हो उसमें, तो हमने बोला 8 प्लेयर है जब काउंट करके बताया था. तो मैम को लगा होगा कि कम प्लेयर होगा तो पहले बाकी प्लेयर को जाने देते हैं, जो लीग में फंसे हुई प्लेयर है वो बाद में आएंगे, यही सोचा होगा.
पर हम 8 प्लेयर उसी में थे, उसकी वजह से पूरा मैकेनिक को फिर बुलाना पड़ रहा, पूरा डेढ़ घंटा के बाद लिफ्ट खोला, तो उसके बाद हमें फटाफट चेंज करके डायरेक्ट ग्राउंड पे गया, पर वहां पे बैठने का टाइम नहीं मिला, पूरा हमें जल्दी वार्म अप करके मैच स्टार्ट करने का टाइम हो गया था, ऐसा सीन हुआ था। Yeah, it's very, very scary. In fact, one of my biggest nightmares is to ever get stuck in an elevator. There have been also incidents with the Indian men's team. Ek bar 7-8 ladke on way to a dinner, Kochi mein, I still remember, got stuck in an elevator. And it was extremely, extremely scary. Well, there have been, Asham, Lata, moving ahead. There have been lot many changes in the performance of the Indian senior women's national team. Attitude mein bahut sare changes hua hai. Results mein bahut sare changes hui hai. Toh thori bataiye, means ye kaise possible hua? What is it? Kya kya changes aur bhi hue hai? Thori bataiye hum logo ko. Mere hisab se 2-3 saal se hame bahut sare exposure trip mil rahe hain. Pehle jitna मतलब एक साल में एक बार या 2 साल में 2-3 बार ऐसे ही मिलता था, पर पिछले 2 साल से हमें इतना एक्सपोजर ट्रिप मिल रहा है, और यूरोप कंट्रीज के साथ भी बहुत खेलने का मौका, और वहां पे जब हम लोग कोटिप में गए थे स्पेन में, तो बाकी स्पेन का जो क्लब है उनके साथ खेलने का, फ्रेंडली मैच खेलने का बहुत मौका मिला था, तो जो यूरो में जो उस इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं, पर वो चीज हमें कभी यहाँ पे इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिलता था, तो मुझे लगता है कि वहां पे जो उस हाई इंटेंसिटी के साथ हम लोग खेलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस में भी बहुत इम्प्रूव हुई है, और हम पहले तो हमें नहीं पता था कि स्ट्रेंथनिंग कितना जरूरत है हमें, तो अभी ये सब चीज में भी फोकस कर रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है स्ट्रेंथनिंग, और इंजरी प्रिवेंशन में भी काम करते हैं हर चीज में, और पहले हमें वीडियो एनालाइज करने का वो चीज नहीं मिलता था, पर अभी तो हर चीज अवेलेबल है हमारे पास, तो हर उसकी वजह से हमें परफॉर्मेंस में भी बहुत इंप्रूव हो रहा है हर चीज में। हाँ बिल्कुल, द रिजल्ट्स आर देयर फॉर एवरीवन टू सी। ये जो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग आप बोल रहे थे, हम सुने कि डाइट पे भी बहुत सारे ध्यान दिया जा रहा है, तो जो ये लॉकडाउन के टाइम पे थे, ये आप लोग का मींस फिटनेस कैसे मेंटेन किए, और उस समय का डाइट आप लोग क्या क्या लिए थे? क्योंकि मैं 3 महीना तो मैं एक सही जगह पे लॉकडाउन में फंस गई थी, मैं लॉकडाउन के पहले बेंगलोर गई थी IWL की बात, क्योंकि मेरे को थोड़ा स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग में काम करना था, तो वही पे पूरा 3 महीना फंस गई थी, तो वहां पे पूरा मेरा शेड्यूल स्ट्रेंथनिंग एजिलिटी ये शेड्यूल रहता था, तो फिजो मतलब जो फिजो थी उनकी घर पे ही रुकी थी मैं, तो उन्होंने सारे डाइट ये सब अच्छे से मेंटेन करके दिया था, तो इसलिए मुझे इतना लॉकडाउन के बीच में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, और वहां से आने के बाद मैं अभी जो इंडिया टीम का जो फिजो है प्रियंका मैम, उनका पूरा शेड्यूल और डाइट सब कुछ मैं अभी फॉलो कर रही हूँ, तो आई होप कि बाकी प्लेयर भी ऐसे ही कर रहे हैं, और अभी फिर दोबारा गेम लगेंगे तो सब लोग एक ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से सबको अनफिट हो गया, फिट नहीं है, तो लॉकडाउन के बाद भी सब लोग गेम में आएंगे तो सब फिट रहेगा, आई होप। बिल्कुल बिल्कुल फिट रहेगा। अर्णव पराशर से इज वुमेन एम्पावरमेंट, डेफिनेटली इट इज वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज वी आर स्पीकिंग टू अ लेडी हु वाज नॉमिनेटेड टू बी वन ऑफ द एएफसी नॉमिनीज, वन ऑफ द 3 नॉमिनीज फॉर द एएफसी प्लेयर ऑफ द ईयर, द कैप्टन ऑफ द इंडियन सीनियर वुमेन्स नेशनल टीम आशा लता देवी। आपकी कोच भी आपके बारे में एक छोटी सी एनेक्डोट दी है, उसने लिखी है कि आशा विल फाइट लाइक ए किड टू विन एनी फ्रेंडली मैच, and if it's specially against Aditi, wo fight to hona hi hona hai. Before the 2019 SAF final, we decided to have some fun games, a part of which was foot cricket. Both Asha and Aditi got very competitive and indulged in a lot of friendly sledging during the entire game. But that is a good thing that you want to see in your players, the willingness to win.
be it in a game of football or a friendly match or in any kind of competition. तो अदिति और आपका जो ये rivalry है friendly games में, ये सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, obvious coach को तो पता होगा, आज तक तो पूरी इंडिया को पता चल गया कि अदिति और आशा friendly game में मतलब तो बहुत ही competitive game होने वाला। मेमोलमैन बागे आई थिंक ऑफिशियल और मेमोलमैन सब लोगों को भी पता है कि फन गेम में भी उन लोगों को मजा लेने की चक्कर में हम दोनों को अलग अलग टीम में डाल देते हैं और लड़ाई करवा देते हैं, ऐसा सीन है। सिर्फ ऐसे लड़ाई नहीं, आपका दोनों टीम्स का दो लीडर्स भी चाहिए, इसीलिए भी आई बिलीव सो फ्रॉम द आउटसाइड की आप दोनों को इस दो लीडर्स को टू टीम्स में स्प्लिट कर दिया जाता है। एक सवाल है, सभी आपके ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के बारे में बोलते हैं ऑफ द फील्ड फन गेम्स पे, ऑन द फील्ड ड्यूरिंग मैच डेज प्रैक्टिस सेशंस में, कहां से आते हैं आपकी ये जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये क्या बचपन से वे यू बोर्न विद इट और आप डेवलप किए? क्योंकि सर मेरे को, मुझे ऐसे फील होता है कि चाहे फन गेम हो, चाहे फ्रेंडली मैच हो, चाहे बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव मैच हो, क्योंकि गेम में बस विनर और रनर को ही आता है। तो मैं बाकी बच्चों को भी वही चीज बोलती हूँ कि आप लोग फन गेम और कोई भी गेम एंजॉय करो, बस जब विनिंग वाला चीज आता है तो फाइट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे चीज में हम फाइट नहीं करोगे तो बड़ा वाला कंपटीशन में कैसे जाके हम फाइट करेंगे। तो मैं इसलिए मैं हमेशा फन गेम में भी जब विनर रनर वाला चीज आते हैं तो मैं उसी टाइम मैं फाइट करने के लिए ही बोलती हूँ कि तुम लोग एंजॉय करो अपने गेम को, बट वो विनर हमें होना ही मतलब चाहिए, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट अंदर से आना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक छोटे वाले गेम में भी नहीं आओगे तो आप बड़ा वाला टूर्नामेंट में कैसे निकलेगे आपके अंदर से। तो इसलिए मुझे ऐसा फील होता है कि छोटा या बड़ा हो तो वो चीज तो आना ही है आना, मतलब कोई मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है हारना, पर ऑब्वियसली कोई भी प्लेयर हारना तो पसंद नहीं होगा, बट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है सर। इसलिए मैं छोटा सा फन गेम हो, चाहे फ्रेंडली हो, चाहे कम्पिटिटिव मैच हो, तो मैं मुझे ऐसे फील होता है कि मुझे जीतना है। एब्सोल्युटली वेरी वेल सेड, दैट्स हाउ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और यहीं से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आते हैं। दैट्स ऑल ईच एंड एवरी ग्रेट पीपल इन एवरी स्पीयर और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ आपको यही ऑलवेज कहेंगे, एंड इट कम्स फ्रॉम इवन आशा लता देवी। मिशाल हैज जॉइंड अस, मिशाल सेज प्राइड ऑफ इंडिया, आपके बारे में मिशाल की एक छोटी कॉमेंट है। फुटबॉल इज माई फेवरेट स्पोर्ट, सोनम सेज, गुरप्रीत ऑफिशियल्स, गुरप्रीत सेज हाय, मिस्टर कोहली सेज हाय, अगेन लवली एस के सेज हाय, विश्वनाथ चौधरी हेलो टू यू, नॉट मेनी फैंस ज्वाइनिंग अस। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस में जाएंगे आपकी इजाजत से आशा लता जी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी फेवरेट विक्ट्री विद द इंडियन टीम अभी तक कौन सा है? सब चैंपियनशिप 2019 जब नेपाल में हुआ था, वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मूवमेंट था, क्योंकि वो इंडिया में जब फोनेशन हुआ था तो हम नेपाल के साथ हार गए थे। पहली बार जब से मैं नेपाल के साथ भी खेलते हो तो मैं कभी मतलब नहीं हारे थे, पर पहली बार हारे थे तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा था कि हमारी कंट्री में आके हमें मतलब हमें हरा के गए। तो मैंने बाकी बच्चे को भी यही चीज बोला था कि उन्होंने ऐसे करके गया है तो हम उनकी कंट्री में जाके उनको दोबारा हराना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको सबक सिखाना है कि हम उनसे कम नहीं है। तो जब फाइनल का जो फाइनल मैच वाला दिन है उसमें प्लेयर ऑफिशियल सब लोग इमोशनल हो गए थे कि हमने भी मेमोल मैम और ऑफिशियल को प्रॉमिस किया था कि ये ट्रॉफी ला के आपको ही देंगे, तो वही चीज हमने दोबारा उनसे ट्रॉफी लेके उनको मतलब ऑफिशियल और अपने कंट्री को दिया था, तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल विक्ट्री था।
डेफिनेट हम रैपिड फायर में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते मांगते, बट वेन यू जब आप जिक्र कर रहे इस विक्ट्री के बारे में, और एक चीज भी है कि वहां पे फुल हाउस था, तो इंटरनेशनल कोई कंट्री में फुल हाउस उसकी देश में उसी टीम के साथ फाइनल खेलना बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़ी वो जो क्राउड था वो क्या कोई आप लोगों को थोड़ी नर्वसनेस लगी थी ना, वॉज इट ए मोटिवेशन टू प्ले इन फ्रंट ऑफ सच ए क्राउड? क्योंकि सेमीफाइनल में हम लोग बांग्लादेश के साथ था, तो सारे नेपाल का फैन है वो बांग्लादेश के सपोर्ट में थे, तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। कि मैंने फाइनल के दिन में भी मैंने बच्चों को भी यही बोला था कि तुम लोग ये क्राउड को मत देखना, अपने गेम खेलो, यही सोचना कि हम अपने कंट्री में खेल रहे और जो भी क्राउड है हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन पे बिल्कुल ध्यान मत दे, अपने गेम पे ध्यान दो। तो वो उसकी वजह से मैं स्टार्टिंग में मैं जब मेरे को ऐसे लगा कि सारे प्लेयर, दो तीन प्लेयर के अलावा बाकी तो सब जूनियर बच्चे थे, अंडर 20 अंडर 21 का बच्चे थे, तो मुझे ऐसे लगा था कि वो लोग कैसे हैंडल कर पाओगे कि इतना क्राउड के साथ। तो बट मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने मतलब जूनियर प्लेयर ने ऐसे करके दिखाया कि वो मतलब कुछ कमी महसूस नहीं करने दिया मुझे कि हमें मतलब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ उस चीज में। तो मैं बहुत लकी मानती हूँ कि उन्होंने सारे बच्चे ने मुझे बहुत रेस्पेक्ट के साथ काम किया और बहुत प्यार दिया और एक मेरे को ट्रस्ट करके बहुत अच्छा परफॉर्म करके वो विक्ट्री लाया। बिल्कुल, देश के लिए बहुत अच्छा विक्ट्री था एंड ऑब्वियसली हैट्स ऑफ ऑन दैट विक्ट्री। Michelle joins us. Castana says hi to you. Hi, Michelle. West Block Blues, the entire fan group has joined and they say great fighting spirit. Asha Lata ko ye ek message, great fighting spirit comes from the West Block Blues. Rapid fire, continuing with this. Aap past time mein, free time mein aap kya karna pasand karte hai? टाइम में मैं ज्यादा मतलब मेरे पास टाइम रहता ही नहीं है सर, क्योंकि मैं खाना वाना मैं खुद ही बनाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, फिर सुबह जिम जाते हैं और शाम को प्रैक्टिस जाती हूँ, तो थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं शॉपिंग करना पसंद करती हूँ बहुत, तो इसलिए मैं शॉपिंग करने जाती हूँ जब मेरे पास टाइम रहता है तो। That's lovely. Continue the shopping. अंजुम एंड आयुष एक पूछते हैं कि who is your inspiration? मेरे लाइफ में ऐसा चीज नहीं था कि मैं उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन होता है, क्योंकि मैं अपने कंट्री को बहुत कंट्री के लिए बहुत पहले मैं प्रायोरिटी देती हूँ, तो अपने कंट्री को एक जगह पे लाने का और एक अच्छा सेट बनाने का, तो इसलिए मैं हमेशा उसमें फोकस रहती हूँ। और मेरा जो मेरे जितना साल से मैं खेल रही हूँ तो उनकी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं जूनियर प्लेयर को शेयर करना चाहती हूँ हो सके तो, मैं क्योंकि मैं ऐसे कभी महसूस करने नहीं देना चाहती हूँ कि मेरे को जब रिटायर हो जाऊंगे तो मेरे बच्चे को मतलब मेरे जगह लेने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि एक प्लेयर की जगह दूसरे प्लेयर को मेंशन करने में टाइम लगता है उनको बनाने में, तो वो चीज मेरे टाइम पे मुझे होना ही नहीं चाहते, इसलिए मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं जूनियर प्लेयर के साथ शेयर करके मुझे लगता है कि मैं इनफ मैंने मेरे अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर दिया है, तो तब मैं उस टाइम पे मैं छोड़ना चाहूंगी, तो इसलिए मैं वो अपने कंट्री पहले प्रायोरिटी देती हूँ। Very well said. Very, very well said, Asha Lata. Very well said. Sonia asks a question. Who's the best defender जिसके साथ आपने खेले हैं अभी तक? वो मेरे दो डिफेंडर है, एक मणिपुर के है रोमी देवी करके, बहुत सीनियर प्लेयर थी, और एक बंगाल के है तुली गुन, वो दोनों मोस्ट सीनियर प्लेयर थे, अभी दोनों रिटायर हो चुके हैं, पर जब भी मैं उन दोनों के साथ खेलते थे तो मुझे कभी डर नहीं लगता था कि मुझे मेरे से गलती होगा या
गलती होने के बाद क्या होगा, ये सब चीजें मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे इतना, दोनों ने इतना सपोर्ट करके मुझे हर चीज का वो कमी महसूस करने नहीं दिया था कि क्या मतलब, मैं हमेशा आगे भी सपोर्ट करती हूँ, तो वो दोनों पीछे से मेरा इतना सपोर्ट करके खेलते थे, इसलिए मैं कभी उनके साथ खेलने में ऐसे महसूस नहीं किया था कि मैं गलती हो जाएगी या क्या होगा, वो कभी मेरे थॉट में नहीं आते। तो वो दोनों पे, वो जो डिफेंडर का क्वालिटी है वो उन दोनों के अंदर थे, जो बिल्कुल डर नहीं लगता, कोई लड़के के साथ भी खेल रहे तो पूरा खोल के खेलते थे दोनों। तो मुझे उन, मैं बहुत लकी मानती हूँ कि उन दोनों के साथ मैंने 3-4 साल उन दोनों के साथ खेलने का मौका मिला था, तो दोनों से मैंने बहुत सीखने को भी मिला था। Tuli Gunn and Romy Devi, great ambassadors of women's football in India, and sublime players who were playing at the prime till some time back. Kis type of movie dekhna pasand karenge? Sapna ye sawal puchhi hai. Mujhe emotional drama pasand hai, but Mary Kom bhi mujhe acha lagta hai. Acha, I see. And your favorite hero and heroine? अशय कुमार, और हीरोइन तो मैं मणिपुर का है, सोमा लाइस्ट्रम। अक्षय कुमार। और एक सवाल है, ये है आपकी, रंजीता ने ये सवाल पूछा है, आप फुटबॉलर नहीं होते हैं तो आप व्हाट वुड यू हैव बीन? आई थिंक मैं लॉयर बनती या फोर्स में जाती सर। लॉयर बनती या फोर्स में जाती मैं। अच्छा, फोर्स में जाते या लॉयर बनते। गुड, आप फुटबॉलर है हम लोग को, देश की कप्तान। एक बिग इवेंट होने वाली है आशा लता हमारे देश में, विच इज द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया 2020 में, जो फरवरी में अभी तक स्लॉटेड है। कितनी स्पेशल है इंडियन फुटबॉल, इंडियन वुमेन्स फुटबॉल के हिस्ट्री में ये इवेंट कितना स्पेशल है? ये हमारे लिए सर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में भी कई जगह अभी तक, कई स्टेट या कई हर कोने पे किसी को पता ही नहीं है कि वुमेन्स फुटबॉल भी है इंडिया में। तो ये अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब हर जगह पे पता चल जाएगा इंडिया में भी वुमेन्स फुटबॉल खेलते हैं और एक अच्छा प्रोफेशनल और अच्छा प्लेटफॉर्म में खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अंडर 17 वर्ल्ड कप और AFC 2020 में जो होने वाले, दोनों इंडिया होस्ट कर रहे हैं, तो काफी हमारे लिए अच्छा रहेगा सर। और मैं AIFF को और वुमेन्स कमिटी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये इंडिया दोनों अंडर 17 वर्ल्ड कप और AFC इंडिया होस्ट करने के लिए उन्होंने बहुत वो कोशिश किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, तो थैंक यू वेरी मच AIFF। वेल, मोस्ट वेलकम, वी ऑल, एवरीवन इज देयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड विद दैट, इफ आई कैन ऐड, इफ आई नीड टू ऐड दैट, इंडिया हैव आल्सो ऑफिशियली एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट टू होस्ट द AFC एशियन कप इन 2027, व्हिच इज द मेंस एशियन कप। Officially interest express ki hai abhi means, or officially bid bhi karenge, this is that was decided the other day. Aapki message kya rahenge girls ke liye, main Asha Lata jo under 17 world cup khelenge, aap desh ki kaptan hai senior women's team ke, what's your message to the girls who would be playing there? Main bachcho ko yahi bolna chahungi, kyunki un log bahut lucky hai ki wo log world cup khelne ka mauka mil raha hai इतना कम उम्र में, और अपने कंट्री में और अपने क्राउड के सामने खेलने का मौका मिल रहा है, तो वो मौका हाथ से खोने मत दो। और आप लोग हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ये मत सोचना कि कोई आप लोग के सपोर्ट में नहीं है, तो सब लोग इंडिया आप लोग के सपोर्ट में है। और ये अंडर 17 वर्ल्ड कप की वजह से आपकी वो यंग जेनरेशन है, वो हम आगे जाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं,
और आप लोग जब अंडर 17 से सब आएंगे सीनियर टीम में, उसमें भी बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इस वो चीज सोच के अपने 100% दे के अपने कंट्री का नाम रोशन कीजिए इस बार। डेफिनेटली वेरी नाइस मैसेज कमिंग ऑन फ्रॉम द कैप्टन ऑफ द इंडियन सीनियर वुमेन्स नेशनल टीम फॉर द अंडर 17 गर्ल्स फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप AFC एशियन कप फॉर द वुमेन्स इन 2022 एंड ऑफिशियली बिडिंग फॉर द AFC एशियन कप 2027। लास्ट दो क्वेश्चंस है हम लोग का आशा लता आपको जस्ट तीन क्वेश्चन ना दो क्वेश्चन है। हाँ फैन क्वेश्चन है किंग ऑफ किंग्स अच्छी नाम है। जब टीम अच्छा नहीं कर रहे हैं हाउ डू यू मोटिवेट द गर्ल्स व्हेन द टीम इज नॉट डूइंग वेल ऑन द पिच। क्योंकि मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ हर प्लेयर को, क्योंकि मतलब प्लेयर का अलग अलग तरीका से मोटिवेट करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि उन लोग का अलग अलग तरीका होता, मतलब अलग अलग स्टाइल है उन लोग का। क्योंकि कोई डांट के भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, कोई प्यार से समझाने के बाद अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो मैं मतलब सेम हर प्लेयर के साथ मतलब सेम तरीका से बिहेव नहीं कर सकते। तो मैं कोई प्लेयर को डांट के मतलब मोटिवेट करती हूँ, कोई प्लेयर को इतना आराम से बिठा के उसको समझा के मोटिवेट करती हूँ। तो मतलब मैं बहुत सारे प्लेयर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ, उसके बाद ही उन लोगों को जो भी मिस्टेक होते हैं तो मैं समझती हूँ कि उनको कैसे मोटिवेट करे, उनको डांट के करे या प्यार से समझा के करे, तो वो चीज करती हूँ मैं। डेफिनेट कीप ऑन डूइंग दैट। इनफैक्ट आपने जो दूसरी सवाल था उसका भी जवाब वहां पे उसी आपकी इस जवाब पे सवाल था उसका जवाब क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी आंसर इन दिस आंसर ऑफ योर्स। आशा लता देवी कैप्टन ऑफ द इंडियन सीनियर वुमेन्स नेशनल टीम थैंक यू सो सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बट प्रायर टू लेटिंग यू गो बहुत सारे पेरेंट्स बात करते हैं बहुत सारे पेरेंट्स हम लोग को मैसेज भी किया है इनफैक्ट कि कैन लास्ट क्वेश्चन है कि लड़की लोगों जब खेलना चाहते हैं बैलेंस बिटवीन द स्टडीज ऑन फुटबॉल और स्पोर्ट फॉर दैट मैटर नॉट जस्ट फुटबॉल कैसे स्ट्राइक करना है इज इट पॉसिबल टू स्ट्राइक ए बैलेंस दोनों इकट्ठा चलते रहे बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल आया है ये। ऑब्वियसली सर, ये मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स उसमें सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है प्लेयर बच्चों को, क्योंकि उन पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट रहेगा तो दोनों एक चीज हैंडल कर पाओगे। क्योंकि मेरे मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में नहीं थे, तो इसलिए मैंने एडुकेशन से मैं थोड़ा हट के रहती थी कि मैं फुटबॉल में, ऐसे लगता था कि मैं फुटबॉल में जाऊंगी। मेरे मम्मी ने भी यही बोला होता कि बेटा तुझे खेलना है तो पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई के साथ साथ खेलो। तो वो चीज मेरे लाइफ में नहीं हुआ था, बस वो चीज बाकी प्लेयर के साथ मुझे दोबारा फेस करना करने देना ही नहीं चाहते। इसलिए मैं पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि दोनों चीज कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेयर ने पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों हैंडल किया है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स सपोर्ट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो बच्चे को पूरा दोनों हैंडल करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही बोलूंगी मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी। वेरी वेल सेड द इंस्पिरेशनल कैरेक्टर विच अदिति मेंशंस इंस्पिरेशनल कैरेक्टर ऑफ आशालता देवी कैसे उतने खुद आगे बढ़े हैं कैप्टनिंग द टीम। आशालता थैंक यू सो सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मीन्स अ लॉट फॉर ऑल द फैंस एंड ऑल ऑफ अस एट इंडियन फुटबॉल मे गॉड ब्लेस यू गो ऑन टू अगेन गार्नर मोर मीन्स बेटर प्ले बेटर फुटबॉल एंड अचीव मोर ग्लोरी फॉर द कंट्री थैंक यू सो सो मच एंड ऑल थैंक द यू बेस्ट सर, थैंक यू, थैंक यू सर, Good luck and stay well, stay safe. Thank you so much. Bye-bye.